नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम मध्य युग के एक महत्वपूर्ण पाश्चात्य विचारक थॉमस एक्विनास के राजनीतिक चिंतन के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि संत थॉमस एक्विनास ने मध्य युग के अंतर्गत अरस्तु के राजनीतिक चिंतन और ईसाई धर्म के जो दर्शन है उसके मध्य किस तरीके से तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया। संत थॉमस एक्विनास के जीवन परिचय को अगर हम देखें तो इनका जन्म इटली के अंतर्गत 1225 ईस्वी के अंतर्गत हुआ और इनकी मृत्यु 1274 ईस्वी के अंतर्गत हुई। संत थॉमस एक्विनास राजनीति शास्त्र, धर्म शास्त्र और तर्क शास्त्र का विद्वान था और पेरिस विश्वविद्यालय के द्वारा इनको धर्म के आचार्य की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगर हम एक्विनास के युग को देखें तो एक्विनास का युग ऐसा युग था जब ईसाई धर्म से संबंधित जो दर्शन से संबंधित चिंतन था उसका पराभव का काल था, क्योंकि इस काल के अंतर्गत 13वीं शताब्दी के अंतर्गत जो यूनानी चिंतन है, विशेष रूप से अरस्तु की जो पुस्तक है उसका लैटिन भाषा के अंतर्गत अनुवाद होता है और विभिन्न विद्वानों के द्वारा और लोगों के द्वारा अरस्तु की इस पुस्तक पॉलिटिक्स का अध्ययन किया जाता है और मध्य युग के अंतर्गत जो ईसाई धर्म का जो चिंतन था, धर्म से संबंधित राजनीतिक चिंतन था, वो हावी था, उसको चुनौती दी जाने लगती है और ईसाई धर्म का जो धर्म आधारित चिंतन है उसका विखंडन होने लगता है, नास्तिकता की ओर लोग बढ़ने लगते हैं। उसी समय एक्विनास के हाथों में भी यह पुस्तक अरस्तु की पॉलिटिक्स हाथ पड़ती है और अरस्तु की इस पुस्तक का अध्ययन एक्विनास भी करता है। इसके अलावा संत थॉमस एक्विनास के ऊपर सेंट ऑगस्टाइन का भी प्रभाव है वो देखने को मिलता है। सेंट ऑगस्टाइन 5वीं शताब्दी का एक ईसाई धार्मिक दार्शनिक था। इसने ईसाई धर्म के माध्यम से राज्य से संबंधित विचारों, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विचारों का विश्लेषण करने का प्रयास किया। यानी सेंट ऑगस्टाइन की विचारों के अंतर्गत जो राजनीतिक चिंतन है उसमें ईसाई धर्म की प्रधानता वो देखने को मिलती है। तो सेंट थॉमस एक्विनास के अंतर ऊपर इन दो विचारों का प्रभाव, एक तरफ यूनानी दर्शन विशेष रूप से अरस्तु का प्रभाव और दूसरी तरफ सेंट ऑगस्टाइन का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। एक्विनास के समय ईसाई धर्म का लगातार पराभव हो रहा था, ईसाई दर्शन से संबंधित जितना भी चिंतन हुआ था उसको चुनौती दी जाने लगी। तो उस समय एक्विनास ने अरस्तु की पॉलिटिक्स के माध्यम से, अरस्तु के चिंतन के माध्यम से ईसाई धर्म की पुनः व्याख्या की और ईसाई धर्म का बचाव करने का प्रयास किया। अगर हम एक्विनास के राजनीतिक चिंतन को देखें तो एक्विनास के राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत ईसाई धर्म का जो दर्शन है जो कि सेंट ऑगस्टाइन के लेखन के अंतर्गत प्रमुखता से मिलता है और दूसरी तरफ यूनानी दार्शनिक अरस्तु का जो राजनीतिक चिंतन है, इन दोनों चिंतन प्रणालियों के मध्य एक्विनास ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। एक्विनास की पुस्तकों की अगर हम बात करें तो एक्विनास की पुस्तकों के अंतर्गत उसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है सुमा थियोलॉजिका। यह धर्मशास्त्र का सार है और राजनीतिक दृष्टि से सुमा थियोलॉजिका को एक्विनास की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों के अंतर्गत माना जाता है और एक्विनास ने इसी पुस्तक के अंतर्गत कानूनों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो कि राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत एक्विनास का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उसकी दूसरी पुस्तक थी द रूल ऑफ प्रिंसेस, जिसे दी रेजिमेने प्रिंसिपम के नाम से भी जाना जाता है, यानी राजाओं के नियम। इसकी तीसरी पुस्तक थी अरस्तु की राजनीति पर टीका, कॉमेंट्रीज ऑन पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल। इसके अलावा सुमा कॉन्ट्रा जेंटाइल टू द किंग ऑफ साइपर्स ऑन किंगशिप, ये एक्विनास की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को आप याद रखें क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से एक्विनास की पुस्तक कौन सी है या कौन सी पुस्तक नहीं है। एक्विनास के कुछ ग्रंथ अधूरे थे, इन अधूरे ग्रंथों का पूरा करने का काम किया उसके शिष्य लक्का टॉलमी ने।
यह क्वेश्चन आरपीएससी कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2014 के अंतर्गत भी पूछा गया था कि अरस्तु की पुस्तक दी रेजिमेने प्रिंसिपम, इस अधूरी पुस्तक का कार्य पूर्ण करने का कार्य किसने किया, तो उसके शिष्य लका टॉलमी ने। यह अरस्तु की पुस्तकें हैं, सॉरी एक्विनास की पुस्तकें हैं। एक्विनास के चिंतन के अंतर्गत हम देखें तो उसकी जो अध्ययन की पद्धति या चिंतन की पद्धति है वह स्कोलास्टिक पद्धति है। स्कोलास्टिक पद्धति के अंतर्गत क्रिश्चियन थियोलॉजी यानी ईसाई धर्मशास्त्र और अरस्तु का जो राजनीतिक चिंतन है इन दोनों के मध्य मिश्रण किया जाता है। यानी स्कोलास्टिक पद्धति क्या है? स्कोलास्टिक पद्धति ऐसी मध्ययुगीन चिंतन की पद्धति थी जिसके अंतर्गत क्रिश्चियन थियोलॉजी और अरस्तु के चिंतन के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। एक्विनास के चिंतन के अंतर्गत भी यही स्कोलास्टिक पद्धति है वो उपयोग में ली गई। क्रिश्चियन थियोलॉजी के अंतर्गत जो चिंतन का आधार है वो है अंतर्दृष्टि या श्रद्धा, यानी श्रद्धा के माध्यम से अंतर्दृष्टि के माध्यम से चिंतन मनन करने का प्रयास करना। जबकि यूनानी चिंतन को देखें विशेष रूप से अरस्तु का चिंतन, तो अरस्तु का जो चिंतन जिस पर आधारित है वह है विवेक या बुद्धि के माध्यम से चिंतन। तो एक्विनास के चिंतन के अंतर्गत एक्विनास ने स्कोलास्टिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हुए क्रिश्चियन थियोलॉजी और एरिस्टोटल का जो थॉट था इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। एक्विनास कहता है कि श्रद्धा के माध्यम से चिंतन और विवेक के माध्यम से चिंतन ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है। यानी एक्विनास मानता है कि विवेक या बुद्धि के माध्यम से भी पूर्णतः चिंतन नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ वो कहता है कि अंतर्दृष्टि या श्रद्धा के माध्यम से भी पूर्णतः चिंतन नहीं किया जा सकता, बल्कि एक्विनास विवेक और श्रद्धा इन दोनों के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है, दोनों के मध्य तालमेल स्थापित करने का प्रयत्न करता है। तो श्रद्धा और विवेक इन दोनों के मध्य समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए एक्विनास ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत क्रिश्चियन थियोलॉजी और एरिस्टोटल के थॉट के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो एक तरह से स्कोलास्टिक जो मेथड है यह एक्विनास का एक समन्वयवादी मेथड है। मैक्सी एक्विनास को मध्य युग का अरस्तु कहता है क्योंकि मध्य युग के अंतर्गत अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया एक्विनास ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। सेबाइन महोदय एक्विनास को ईसाई अरस्तुवाद कहते हैं क्योंकि एक्विनास ने अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत अरस्तु के राजनीतिक चिंतन और ईसाई धार्मिक चिंतन के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। तो ये एक्विनास की मेथड्स था, स्कोलास्टिक मेथड। अब हम एक्विनास के राज्य संबंधी विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। एक्विनास ने अपने राज्य संबंधी विचारों के अंतर्गत यूनानी विद्वान अरस्तु के विचारों का ही अनुसरण किया है। अरस्तु के समान एक्विनास भी यही मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक आत्मनिर्भर समुदाय है और मनुष्य सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है जो स्वभावतः राज्य के अंतर्गत रहता है। तो यहाँ एक्विनास राज्य से संबंधित अरस्तु के विचारों का ही अनुपालन करता है। यहाँ पर एक्विनास ईसाई धर्मशास्त्र के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य है वो पाप का प्रतिफल है। एक्विनास कहता है कि राज्य पाप का प्रतिफल नहीं है, अगर मनुष्य ने पाप नहीं किया होता तो भी मनुष्य है वो राज्य के अंतर्गत ही रहते क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो हमेशा एक संगठन के अंतर्गत रहना पसंद करते हैं। तो एक्विनास है वो अपने चिंतन के अंतर्गत राज्य को स्वाभाविक एवं प्राकृतिक संस्था के रूप में मानता है, लेकिन एक्विनास अपने चिंतन के अंतर्गत राज्य की पूर्ण सत्ता या निरंकुश सत्ता का समर्थन नहीं करता है। एक्विनास कहता है कि अगर राज्य या राजा जनता के हित के अंतर्गत काम नहीं करे, अगर राज्य अगर अत्याचार करे तो जनता को इस प्रकार के राजा या राज्य का विरोध करने का भी अधिकार है। जनता राज्य के खिलाफ या राजा के खिलाफ विद्रोह कर सकती है और उस राजा को हटा करके दूसरे राजा का चुनाव है वो कर सकती है।
तो एक्विनास के चिंतन को हम देखते हैं तो एक्विनास राज्य को प्राकृतिक और स्वाभाविक संस्था मानता है, लेकिन वह निरंकुश राज्य का समर्थन है वो नहीं करता है। एक्विनास के अनुसार राज्य को आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर राज्य है वही जनता का कल्याण कर सकता है। लेकिन एक्विनास कहता है कि कई नगर राज्यों से मिलकर बना प्रांत है वो ज्यादा आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि वो ज्यादा संगठित होगा और दुश्मन का जो आक्रमण है वो उसको झेलने में सक्षम होगा, उसकी प्रतिरक्षा करने के अंतर्गत सक्षम होगा। तो एक्विनास कहता है कि कई नगर राज्यों से मिलकर जो प्रांत बनेगा वो ज्यादा आत्मनिर्भर होगा, और इस प्रकार के प्रांत या राज्य को जो नाम देता है एक्विनास वो है रेगनम। मध्ययुगीन विचारकों के अंतर्गत अगर इस विचार को देखें तो एक्विनास के विचार के अंतर्गत यह राष्ट्रीय राज्य का विचार का संकेत है वो मिलता है। राज्य की संप्रभुता के संदर्भ में एक्विनास का जो दृष्टिकोण है वह यह है कि राज्य की संप्रभुता का जो अंतिम स्रोत है वह ईश्वर है। यानी यहाँ पर एक्विनास राज्य की सर्वोच्चता का स्रोत किसको मानता है, अंतिम रूप से ईश्वर को ही मानता है, क्योंकि एक्विनास बाइबल का अनुसरण करते हुए कहता है कि इस संसार के अंतर्गत ईश्वर से कोई भी सत्ता है वो सर्वोच्च नहीं है। राज्य एवं सर्च से संबंधित अगर विचारों को देखें, यानी सर्च एवं राज्य के मध्य संबंध किस तरीके के होने चाहिए इसको लेकर के अगर एक्विनास के विचारों को देखें तो एक्विनास कहता है कि जो राज्य संस्था है यह सांसारिक सुख एवं आत्म जीवन की प्राप्ति का साधन है, जबकि जो सर्च है वह पारलौकिक सुख एवं मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति का साधन है। यहाँ पर एक्विनास जो पारलौकिक सुख है जो मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति का साधन है उसको सर्वोच्चता देता है और राज्य के ऊपर सर्च को वरीयता देता है। एक्विनास कहता है कि राज्यों को अपने नियमों का निर्माण, राज्य को अपने कानूनों का निर्माण करते समय जो सर्च की गाइडलाइन है, जो सर्च की मान्यताएं हैं उसका पालन करना चाहिए, उसकी मान्यताओं की पालना करते हुए ही राज्य को कानूनों का निर्माण करना चाहिए, जनता के ऊपर शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। तो यहाँ पर एक्विनास है वो राज्य के ऊपर सर्च की सत्ता को वरीयता देता है। एक्विनास के दासता संबंधी विचार। अरस्तु के दासता संबंधी विचारों को अगर हम देखें तो अरस्तु ने दास प्रथा को प्राकृतिक आधार पर मान्यता दी थी। अरस्तु का मानना था कि दास प्रथा का जो आधार है वो प्राकृतिक है। अगर हम 5वीं शताब्दी के ईसाई धर्म के दार्शनिक सेंट ऑगस्टाइन के चिंतन को देखें तो सेंट ऑगस्टाइन के चिंतन के अंतर्गत दास प्रथा का जो आधार माना गया था वह था पाप का ईश्वरीय दंड। यानी जो मनुष्य पाप करते हैं उनको ईश्वर है वो पाप दास के रूप में दंडित करता है, यह सेंट ऑगस्टाइन का दासता का आधार था। लेकिन अगर हम एक्विनास के चिंतन के अंतर्गत देखें तो एक्विनास ने भी दास प्रथा का समर्थन किया है, लेकिन उसने अरस्तु की तरह दासता को प्राकृतिक संस्था के रूप में स्वीकार नहीं किया है और न ही सेंट ऑगस्टाइन की तरह दासता को पाप का प्रतिफल या ईश्वरीय दंड का प्रतिफल माना है। एक्विनास दास प्रथा को लाभदायक मानते हुए उसका आधार ये बताता है कि दास प्रथा लाभदायक है क्योंकि दासता से सैनिकों के अंतर्गत वीरता की भावना पैदा होती है, क्योंकि सैनिकों के अंतर्गत हमेशा यह डर बना रहता है कि अगर वो हार गए तो उनको दास बनाया जा सकता है। इसलिए पूरे मनोवेग के साथ में, पूरे साहस के साथ में सैनिक है वो युद्ध के अंतर्गत उतरते हैं और हमेशा विजय होने की कोशिश करते हैं। तो इस डर के भावना के माध्यम से सैनिकों के अंतर्गत वीरता की भावना का संचार होता है, इसलिए एक्विनास कहता है कि दासता है वो राज्य के लिए, समाज के लिए लाभदायक है। तो एक्विनास ने अपने चिंतन के अंतर्गत दासता का समर्थन किया है, लेकिन दासता के एक नए आधार को ढूंढने का प्रयास भी किया है। सरकार के बारे में वर्गीकरण को देखें एक्विनास के चिंतन के अंतर्गत तो एक्विनास ने भी अरस्तु के वर्गीकरण का ही समर्थन किया है, लेकिन अरस्तु के विपरीत
एक्विनास ने शासन का जो सर्वश्रेष्ठ रूप माना है वह राजतंत्र को माना है। जहां अरस्तु के चिंतन के अंतर्गत शासन के सर्वश्रेष्ठ रूप को पॉलिटी की संज्ञा दी गई है, यानी पॉलिटी को अरस्तु सर्वश्रेष्ठ रूप मानता है शासन का, वहीं एक्विनास अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत शासन के सर्वश्रेष्ठ रूप राजतंत्र को मानता है। एक्विनास कहता है कि राजतंत्र के अंतर्गत ही शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है, इसलिए शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। अब हम एक्विनास के कानूनों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे, जो कि एक्विनास के चिंतन के अंतर्गत सबसे मौलिक और सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। एक्विनास ने अपनी पुस्तक सुमा थियोलॉजिका के अंतर्गत कानूनों के चार प्रकार बताए हैं, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवीय कानून। तो पहले हम शाश्वत कानून को समझते हैं। शाश्वत कानून, इटर्नल लॉ। शाश्वत कानून का एक्विनास का अभिप्राय है कि शाश्वत कानून है, यह ईश्वर के द्वारा निर्मित होते हैं और इस संसार का संपूर्ण आधार स्तंभ है जिस पर यह संसार टिका हुआ है, वह है शाश्वत कानून। यानी शाश्वत कानून किसके द्वारा निर्मित है, इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत एक्विनास ईश्वर को मानता है। लेकिन एक्विनास कहता है कि मनुष्य का जो विवेक है, बुद्धि है, वो सीमित है, ईश्वर से ज्यादा नहीं है। इसलिए मनुष्य का विवेक सीमित होने के कारण मनुष्य इन शाश्वत कानूनों की खोज करने में सक्षम नहीं हो पाता, उनका अनुभव है वो नहीं कर पाता। दूसरा जो प्रकार बताता है कानूनों का एक्विनास, वह है प्राकृतिक कानून, नेचुरल लॉ। प्राकृतिक कानून, यह एक्विनास कहता है कि इस सांसारिक जीवन में शाश्वत कानूनों का ही वास्तविक रूप है। इन प्राकृतिक कानूनों की खोज है मनुष्य अपनी तर्क बुद्धि के माध्यम से कर सकता है और इस प्रकार के कानूनों का अनुसरण कर सकता है। तो प्राकृतिक कानून प्रकृति की देन है और ये इस धरती पर शाश्वत कानूनों का ही वास्तविक रूप है, जिनके माध्यम से, यानी तर्क बुद्धि के माध्यम से इस प्रकार के प्राकृतिक कानूनों की खोज है वो मनुष्य कर सकता है और अपने जीवन के अंतर्गत इस प्रकार के प्राकृतिक कानूनों का अनुसरण करके वो अच्छे और बुरे के मध्य अंतर है वो कर सकता है। वो ये पता लगा सकता है कि कैसा जीवन है वो उचित जीवन है और कौन सा जीवन है वो अनुचित जीवन है। तो उचित और अनुचित के मध्य जो अंतर है वो मनुष्य प्राकृतिक कानूनों का सहारा लेकर ही कर सकता है, अपनी तर्क बुद्धि के माध्यम से ही उनके मध्य अंतर कर सकता है। तीसरा जो प्रकार बताता है एक्विनास कानूनों का, वह है मानवीय कानून, ह्यूमन लॉ। मानवीय कानून है, ये राज्य के द्वारा निर्मित कानून होते हैं। राज्य के अंतर्गत शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य के द्वारा इस प्रकार के कानूनों का निर्माण किया जाता है। लेकिन एक्विनास कहता है कि ये जो मानवीय कानून है ये शाश्वत कानून और प्राकृतिक कानूनों के अनुकूल होने चाहिए। अगर राज्य मानवीय कानून बनाते समय शाश्वत कानूनों और प्राकृतिक कानूनों का अनुसरण नहीं करता है और राज्य प्राकृतिक कानूनों के उल्लंघन करके उनके खिलाफ अगर नियम बनाता है तो जनता को इस प्रकार के मानवीय कानूनों का अनुपालन है वो नहीं करना चाहिए। चौथा जो कानून का प्रकार बताता है एक्विनास, वो है दिव्य कानून, डिवाइन लॉ। इस प्रकार के जो कानून है उनका जो स्रोत एक्विनास बताता है वो है धर्म ग्रंथ। यानी ये जो डिवाइन लॉ है ये किस पर आधारित है, यह धर्म ग्रंथों पर आधारित कानून है। एक्विनास कहता है कि पारलौकिक सुख प्राप्ति का जो माध्यम है वो ये देवी कानूनी है, धर्म ग्रंथ ये। धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही मनुष्य है वो पारलौकिक सुख की प्राप्ति कर सकता है। निजी संपत्ति से संबंधित अगर विचारों को देखें एक्विनास के, तो एक्विनास निजी संपत्ति का समर्थक है। वह कहता है कि सामाजिक हित के अंतर्गत व्यापार का समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति की संतुष्टि, शांति व्यवस्था की स्थापना और मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति है वो निजी संपत्ति से कर सकता है। इसलिए राज्य के अंतर्गत, मनुष्यों के अंतर्गत संघर्ष है वो भी नहीं होगा। तो इस तरीके से एक्विनास ने निजी संपत्ति का और निजी व्यापार का भी समर्थन अपने राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत किया। इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने
एक विनाश के राजनीतिक चिंतन को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।